क्लास सिक्स ज्योग्राफी चैप्टर फोर मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। द अर्थ इज ओनली प्लेनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट। पृथ्वी एक सिर्फ एक ऐसा ग्रह है जो जहाँ पे जीवन संभव है। ऑल लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट सच एज लैंड वाटर एयर एंड आर फाउंड ऑन द अर्थ। जीवित रहने के लिए जो तत्व चाहिए वो सभी पृथ्वी पर उपस्थित है, जैसे भूमि, पानी और हवा, ये सभी पृथ्वी पर पाए जाते हैं। देयर द अर्थ हैज फोर रियाल्म्स। पृथ्वी के चार रियाल्म्स हैं। वी कॉल द लिथोस्फेयर, हम लोग जिसको लिथोस्फेयर कहते हैं, लिथोस्फेयर यानी भूमंडल। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ, जिसका पृथ्वी का जो परत सॉलिड है, ठोस है, वह लिथोस्फेयर कहलाता है। हाइड्रोस्फेयर वाटर इन इट्स ऑल फॉर्म्स। हाइड्रोस्फेयर जो पानी सभी रूप में पाए जाते हैं, यानी जलमंडल। एटमॉस्फेयर वायुमंडल, द गैसेस लेयर डेट सराउंड द अर्थ। पृथ्वी पर जो गैस के रूप में जो परत पाए गए हैं वह एटमॉस्फेयर कहलाते हैं, वायुमंडल। We find land, water and air together in the biosphere which contain all forms of life. हम लोग ये जानते हैं कि भूमि, पानी और हवा ये साथ मिलकर के जैव मंडल में ये तीनों पाए गए हैं, जिसे ये जीवन सभी तत्व जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। Let us discuss them one by one. अब हम लोग एक एक करके सभी के बारे में जानेंगे। लिथोस्फेयर भूमंडल, द सरफेस ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर। पृथ्वी का सतह भूमि और पानी से बना हुआ, जल से बना हुआ है। लैंड कवर अबाउट 29% एंड वाटर अबाउट 21% ऑफ द अर्थ सरफेस। भूमि वाला भाग जो है लगभग 29% है और पानी वाला भाग 71% पृथ्वी की सतह पर है, यानी एक तिहाई भाग जल है और पृथ्वी का एक भाग में ही भूमि है। द सॉलिड आउटर लेयर ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव, जो पृथ्वी का बाहरी परत सॉलिड परत है, ठोस परत है, उस पर हम लोग रहते हैं। कंसिस्ट ऑफ रॉक एंड मिनरल्स, और उसी पर चट्टान और खनिज भी हैं। दिस लेयर इज कॉल्ड द लिथोस्फेयर, इस लेयर को लिथोस्फेयर कहते हैं। द ग्रीक वर्ड लिथोस मीन रॉक्स। लिथो का ग्रीक भाषा में चट्टान कहते हैं। द लिथोस्फेयर इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ लैंड मासेज। लिथोस्फेयर में सभी तरह के भूमंडल भूभाग शामिल है। द लार्ज लैंड मासेज आर कॉल्ड कंटिनेंट, व्हाइल द लार्ज वाटर बॉडीज डेट सराउंड द कंटिनेंट आर कॉल्ड ओशियन। भूमि का बहुत बड़ा भाग जिसको कंटिनेंट कहते हैं, जबकि पानी वाला भाग जो कंटिनेंट को घेरे हुए है उसे ओशियन कहते हैं। The uppermost layer of the earth of the lithosphere is called crust. Lithosphere का ऊपरी परत, सबसे ऊपरी वाला परत जो है उसको क्रस्ट कहा जाता है। It is also called the continental crust. इसे continental crust भी कहते हैं। This crust is made up of shale. यह ऊपरी कवच से बना हुआ है। It has rocks rich in silicon and aluminium. इस रॉक जो है वह इसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम पाया जाता है। इट थिकनेस वेरीज बिटवीन 10 एंड 75 किलोमीटर विद एन एवरेज थिकनेस ऑफ द अबाउट 35 किलोमीटर। इसकी मोटाई 10 किलोमीटर से 75 किलोमीटर के बीच है। इसकी औसत मोटाई लगभग 35 किलोमीटर है। इट इज थिकर अंडर द माउंटेन्स, यह माउंटेन के अंदर मोटाई है। द ओशियन क्रस्ट इज द लोअर क्रस्ट एंड इट इज फाउंड बिलो द ओशियन। ओशियनिक क्रस्ट जो है वह सबसे नीचे वाला क्रस्ट है जो समुद्र के नीचे पाया जाता है। एज वेल एज अंडर दिस
सियाल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सीमा एज इट इज मेड ऑफ अप ऑफ सिल्कन एंड मैग्नीशियम। यह मैग्नीशियम और सिल्कन से बना हुआ है जिसको सीमा कहते हैं। इट इज मच थिनर यह बहुत ही पतला है। विथ एन एवरेज थिकनेस ऑफ अबाउट 7 किलोमीटर इसका औसत मोटाई जो है सो लगभग 7 किलोमीटर है। कंटिनेंट्स महादेश देयर आर 7 कंटिनेंट 7 महादेश हैं एशिया अफ्रीका यूरोप नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका ये 7 महादेश हैं। मोस्ट ऑफ द कंटिनेंट लाई इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर वेयर एज मोस्ट ऑफ द सीज एंड ओशियन आर प्रेजेंट इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। अधिकांश महादेश उत्तरी हेमिस्फीयर से जुड़ा हुआ है जिसमें समुद्र और महासागर भी उपस्थित हैं। ये साउथर्न हेमिस्फीयर में आते हैं। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड एशिया विश्व का सबसे बड़ा महादेश है। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय यूराल माउंटेन्स दी यूराल रिवर एंड कैस्पियन सी। इसको यूरोप से एशिया के यूरोप से अलग करती है यूराल माउंटेन और यूराल रिवर और कैस्पियन सी ये इसको अलग करती है। मोस्ट ऑफ एशिया लाइज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर अधिकांश एशिया का भाग जो है वह उत्तरी हेमिस्फीयर भूमध्य रेखा पे है। ए यंगेस्टेज किंग और चियांग झिंग इज इट्स लॉन्गेस्ट रिवर जो चाइना का सबसे लंबा नदी है। इट फ्लो थ्रू चाइना ये चाइना में बहती है। अफ्रीका इट इज अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड अफ्रीका विश्व का दूसरा बड़ा महादेश है। कवरिंग अबाउट 1/5 ऑफ द अर्थ सरफेस जो पृथ्वी का 5वां भाग कवर किए हुए ढके हुए है। अर्थ लैंड द कंटिनेंट सराउंडेड बाय द अटलांटिक ओशियन इन द वेस्ट एंड इंडियन ओशियन इन द ईस्ट। इस महादेश को पश्चिम अटलांटिक महासागर और पूरब में हिंद महासागर से घिरा हुआ है। अफ्रीका इज ज्वाइन टू एशिया बाय द इथुमस ऑफ स्विच अफ्रीका जो है वह एशिया में इथुमस स्विच से घिरा हुआ है। स्वेज का एथुमस जो है उससे जुड़ा हुआ है। मोस्ट ऑफ द अफ्रीका इज ए वास्ट प्लेट्यू अधिकांश भाग अफ्रीका का जो है उसमें विशाल पठार है। विथ द एटलस माउंटेन इन द नॉर्थ वेस्ट एटलस माउंटेन नॉर्थ उत्तरी पश्चिमी भाग में है और कैप रेंज इन द साउथ और कैप पर्वतमाला वह दक्षिण में है। इट हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट यह विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है दी सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल है और बड़ा है। कालाहारी एंड नामीब आर द अदर डेजर्ट इन अफ्रीका। अफ्रीका का सहारा डेजर्ट के अलावा कालाहारी और नामीब भी वहाँ के दूसरे डेजर्टों में आते हैं। यूरोप इज द 6th largest कंटिनेंट कवरिंग अबाउट 1/5 ऑफ द अर्थ लैंड सरफेस। यूरोप 6ठा बड़ा महादेश में आता है जो पृथ्वी का 15वां भाग है। यूरोप फॉर्म्स ए कंटिन्यूस लैंड मासेज विथ एशिया एंड टुगेदर दे आर कॉल्ड यूरेशिया। यह यूरोप कंटिन्यूस भूभाग और एशिया का जुड़ा हुआ जो दोनों मिलकर के यूरेशिया कहलाता है। इट इज बाउंडेड बाय द आर्कटिक ओशियन इन द नॉर्थ जो घिरा हुआ है नॉर्थ में आर्कटिक ओशियन पश्चिम अटलांटिक ओशियन और मेडिटेरियन सी और ब्लैक सी इन द साउथ ये चारों तीनों ओर से घिरा हुआ है। नॉर्थ अमेरिका इज द 3rd largest कंटिनेंट इन द वर्ल्ड विश्व का 3रा बड़ा महादेश नॉर्थ अमेरिका है। रिवर मिसिसिपी इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द कंटिनेंट इस महादेश का सबसे लंबी नदी मिसिसिपी है। दिस कंटिनेंट इज सराउंडेड ऑन द नॉर्थ बाय द आर्कटिक ओशियन यह कंटिनेंट
उत्तर में आर्कटिक ओशियन से घिरा हुआ है, पूरब में अटलांटिक ओशियन और पश्चिम में पैसिफिक ओशियन से घिरा हुआ है। नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका वेयर वंस ज्वाइन बाय द पानामा इथमस। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़े हुए है पानामा इथमस। आज इतना ही, फिर अगले क्लास में टिटबिट याद करना है।